सो दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल समय कटारी फिटनेस। तो भाइयों जय श्री राम। एंड आपको बोला था जैसे कि मैं अगले वीक से आपके लिए थोड़ा सा चेंजेस करने वाला हूँ डाइट में, तो आज से वो चेंजेस होने वाले हैं। मैं आपको बता देता हूँ आज जो डाइट रहेगी वो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो आज की डाइट वही है, 100 ग्राम अपने ओट्स लिए जिसमें मैंने प्रोटीन डाला है, वे कह रहा हूँ आइसोलेट प्रोटीन 1 चम्मच, और 6 अंडे हैं वाइट वाइट खाने हैं। इसमें ना मेरा आप कोई हनी ऐड रहेगा, ना पीनट बटर, ना ही डेट्स, ठीक है। तो ये खाएंगे अब हम। तो आज की पहली डाइट में चेंजेस यही है। और हाँ, अब से को फिश ऐड नहीं रहेगी, अब फिश और हटा दिए मैंने। फिश की जगह अब चिकन ही खाना पड़ेगा, जितने टाइम वो खाता था उसके, जैसे 150 ग्राम चिकन खाता था हर मील में, तो अब 150 की जगह मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, उसको 180 कर दिया है। भाई थोड़े थोड़े प्रोटीन अमाउंट बढ़ने में ही पूरा अमाउंट बढ़ जाएगा, आपका प्रोटीन रेशियो बढ़ जाएगा। और कार्ब्स उतने ही रखने, हमने 200 ग्राम राइस, अब कोई 300 ग्राम आलू नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ राइस, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अब थोड़ा थोड़ा डिप्लीट होता चला जाएगा, मतलब वेट डाउन आता चला जाएगा, मसल में थोड़ा हार्डनेस आती चली जाएगी। तो आप बने रहना भाई एंड तक। और इसके बाद थोड़ा नहा लेते हैं, कल ऑयलिंग करवाई ली थी रात को, अब नहाना पड़ेगा, नहा के फिर चलते हैं जिम पे। तो चलो आज आपको दिखाते हैं, थोड़ा करवाते हैं बच्चों को भी ट्रेनिंग ढंग से। तो मैडम आपकी डाइट, मैडम की डाइट से दलिया और केले, इतने सारे तो नहीं खाए, इतने तो खाएगी नहीं, सिर्फ 2 केले काटे जो मेरे को पता है, तो ये खाएगी। और इसको भी आज वर्कआउट करोगे मैडम, हैं? यस। शुक्र है, ये बताओ उनका छोरिया का संग थोड़ा सा रहा करे भाई, छोड़ती तो ये कर रही थी ऐसा। एक बार है ना मूड चेंज होता है कि करें या ना करें। तो चलो दिखाते आज आपको इनका भी वर्कआउट। तो भाई ये रही अपनी सेकेंड मील, 180 ग्राम चिकन राइस एंड बीन्स 100 ग्राम वेजीज, कुछ भी ले सकते हैं, अगर खीरा लेना चाहे खीरा, अगर ग्रीन वेजीज ज़्यादा हो तो अच्छा है, बेस्ट है। तो ये खा के चलते हैं अपने जिम पे। तो लो दोस्तों आ गए अपने जिम पे, अब कराएंगे मैडम को वर्कआउट। मैडम लगा रही पुशअप्स, चलो मैडम लगाओ, थोड़े हाथ थोड़े से और ओपन करो, हल्के से और ओपन, और बस इनफ है, गुड, अब परफेक्ट कर रहे हो अब आप, गुड। और यो भाई इसने चैलेंज को तोड़ दिया गया है, तोड़ दिया है, वैसे जो चैलेंज दिया था वो करके दिखाऊंगा, क्या काट के दिखाऊंगा, क्या काट के दिखाएंगे, कितना, 2 किलो कम हो गया, 2 ही किलो हुआ है, बताओ इंचेस की बात, इंचेस तो इंचेस ना, मेरे को तो वेट वेट भी तोड़वाना था भाई, पर भाई ने चैलेंज तोड़ दिया है। भाई हफ्ते में तीन से चार बारी तो बाहर का खा लेते हैं, 10 अगस्त के बाद 3 से 4 बारी बाहर का खा लेते हैं, 10 अगस्त उसमें वेट कभी कम नहीं होगा भाई। ये सोचते हैं कि भाई जैसे मैंने खा लिया तो अगले दिन वर्कआउट कर लूँगा, निकल जाएगा कोई ना, हो जाएगा कम, पर ऐसा नहीं होता। जैसे वीक में भाई मैं पहले करता था वीक में एक बार, मैंने तो वो भी दे रखा है, वो भी करके राजी ना है, कदे कोई सा किसी के गैल चलते है, कदे किसी के गैल चलते है, सच सच बता क्या क्या खाया। और मैंने जब आके तेरे से पूछा तो तूने क्या बोला, भाई बस एक सैंडविच खाया था, चाय सैंडविच, सुबह तो नींद आई, और सुबह तो चाय घर से पी गया, ठीक है ना, घर से नहीं पी, तू बोल रहा था और वहाँ घूमने वाले लगने पी, ठीक है, फिर सैंडविच वहीं पूछ के चाय के साथ, नींद ज़्यादा आई थी, अच्छा ठीक है, उसके बाद मैं जाम इतना भीड़ जाया था बहुत ज़्यादा। हाँ भाई देख, एक बात मैं जानू, पता क्या, देख जब कभी भी घूमने जाते हैं ना तब हम डाइट को देखते ही ना है, तो अगर तुझे जाना था तो तुझे पहले सोचना था एक हफ्ते पहले कि भाई, अब एक बात बता, तू उस दिन उससे पहला जब तेरे को पता था मैं रविंदर गैला जाऊंगा, उसके बाद तुझे पता था मैं एक दिन बाद घेवर खाऊंगा फिर, तो भाई ये चीज है, तो थोड़ा सही कर इसको अब। और चाहे तू चीजें यूज कर रहा है, सप्लीमेंट यूज कर रहा है या ना कर रहा, तो भी तुझे ऐसे ही डाइट पे रहना पड़ेगा चाहे जिंदगी भर। आप बोल सकते हो मैडम,
चलो अब आप करो स्टार्ट। कोल्ड ड्रिंक पीने से रुक गई, बता यार मैंने तो एक बार रोका देख ले। अरे तू है डट के ना दे रहा। गलती करी है ना, बेरा है सारी चीजें का और झूठ बोलने लग रहा। मेरे तो रविंदर है, खैर मैंने तो बस सैंडविच खाया है, मैंने कहा पूरी रोटी सब्जी पैर का रखा है। कौन सा लच्छा पराठा, कौन सा नॉर्मल रोटी, घर की रह गए वो। और पनीर, पनीर कौन से वाला, अच्छा बर्गर है। चलो मैडम चिनप्स लगाओ। जान खत्म होगी ना, इसलिए खत्म हुई है वो। सिक्स ये पनीर की सब्जी है मैं और सैंडविच आना है, इधर जान रहेगा तेरा पिटेगा तो चल ऊपर का पूरा रुक जा, रखना नहीं है, छः हुए अभी। चल सात, अब पिछली बार तूने कितना मार रहा वो बता, एक बार बता। पूरे मारे थे 25 के 8 सेल मारे, आज 25 के 8 रन तू मार रही थी भाई, ठीक है। और पिछली बार 20 के भी तूने 10 रन इजी इतने बढ़िया मारे थे कि मेरा वेट कम कराने का मन नहीं कर रहा था कि भाई 20 के ही मारते, और इस बार मैंने 20 के नहीं मिले। तो ये फर्क होता है भाई खाने में, और एक कंसिस्टेंसी खा लो भाई, हैं एक और सैंडविच खा के आओ। ना सैंडविच से भाई मैं कोई वो नहीं है, मुझे सैंडविच खा सकते हो टी से, हाँ एक सिर्फ एक मील खानी थी, हमने सारी खाई है पूरे। क्यों भाई देखो कहीं पे भी आप जाओगे खाटू शाम जाओगे या कहीं घूमने जा रहे हो भाई नहीं हो पाते, डेट मेरे को पता है, पर अगर मेरे को पता है ना खाटू शाम जाना है तो मैं 2 से 4 दिन पहले। चलो मैं आइडिया दूँ तो इनको आज इसी वक्त से लेके कल इसी वक्त तक करवाते रहो। मैं सबको भाई यही गाइड करता रहता हूँ, देखो भाई अगर आपको कहीं जाना है तो अच्छे से घूमने जाओ और अच्छे से खाओ पियो बाहर का, ऐसे कुछ जरूरी नहीं है। 4 दिन अगर आप डाइट कर लो, 1 दिन खा लो चलेगा गेमिंग में। अब हो रही है सही से, तो वेरी गुड सही से। फिर पैर क्लोज करो, अगर बिल्कुल चिपकाओ पैर को, हाँ बिल्कुल चिपकाओ, वेरी गुड गुड। आई नीज अप गुड, बहुत अच्छे। चलो लगाओ पुशअप्स, एक सेट ही लगाना है। मेरी चाय दी है वो लाइव किंग से, हैं वो स्टोरी बनाने के लिए दी का एग्जाम है, तो एक चाय ली इधर स्टोरी का बस पैसा है उधर, वेरी गुड मैम वेरी गुड, बढ़िया नीचे तक जाओ पूरा। मैंने वहाँ परफेक्ट हो गया पुशअप्स मारने में, तो बहुत बढ़िया। साढ़े सात में आपको कुछ ना भाई, 10-10 डाला करो आप। संजू भी 20-20 पे पहुंचा दी मैंने, अब संजू ने अब काजल से अच्छा वो कर लिया अपना वेट लिफ्टिंग का, वो उससे ना वो हैगा सीखने की चीज कि भाई हमें को सीखना है। तो अंदर तो फीलिंग है तो वेट हाँ।
वही है वो अब काजल उस टाइम से ना वर्कआउट नहीं कर पा रही, वो हटता है ना जरूर रहती है सोचती सोचती। चलो जी स्टार्ट करो, लैट पुल डाउन। मैडम अच्छे से आराम आराम से करना, होल्ड करना नीचे, ठीक है? एक ग्रिप टाइट पकड़ना, फिर ग्रिप ऐसे पकड़ो इसको टाइट। अगर अंगूठा ऐसे रखा तो ये भी रखो ना। हाँ अब आराम से ले जाओ एल्बोन का, हिप को थोड़ा पीछे करो, गुड बॉडी पावर, गुड करना चाहिए, वेरी स्लो। एक ब्रेथ चाहिए बस, कितना हुए ऊपर पूरे जाने दो, 5 6 7 दो सेट इससे मारो, 2 सेट 25 से, ठीक है? चलो बन रही वीडियो और बिहाइंड द सीन दिखा देती हूँ। ये खड़ा कैमरा मैन छुप के सीधा कैमरा मैन, ये बन रही वीडियो और ये वीडियो वाला सही आ रही भैया, बहुत बढ़िया। यही पोज पोज ले लो पोज। चलो जी पटाफट कर दिया कर दिया जो गर्मी ज्यादा।
ऊपर वाले में डालो, चलो करो, अब करो क्रंचेस, बस आओ ऊपर आओ, हाँ वन टू ऊपर पूरा जाओ, थ्री आइए, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, बस अब पूरा नीचे हो जाओ, और नीचे हो जाओ, और नीचे, अब बस यहाँ से ऊपर से पकड़ लो इसको, ए हाँ इस वाले पार्ट को, चलो वन स्लो स्लो, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन वन मोर ट्वेल्व, रिलैक्स, बहुत बढ़िया, अब दोबारा से करना है, सेकंड सेट फटाफट करो, बहुत बढ़िया, चलो वन चलो टू, बहुत बढ़िया थ्री, चलो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन वन मोर ट्वेल्व, हाँ अंडे खाने के बाद, छह हुए हैं अभी, छे बहुत, मैं गिनवाऊं, ना 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 ये वाले ठीक है, ओके हाँ ठीक है, हाँ बहुत तगड़े हैं यार, आने वाले हैं यार तेरे, तू मेरे तो जल्दी निकाल ले रही, पहले मैं कैसा था, ठीक है जब तेरे ऐप जाएंगे तब, ये तो है नहीं उठ पाता, तो ये बात भाई बहुत अच्छी कही है मैडम ने, डाइट खाओगे तो आपसे वजन लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा, ये रीज़न इसलिए है क्योंकि आप फ्यूल ही नहीं डाल रहे, आप किसी गाड़ी में फ्यूल ही नहीं डालोगे वो चलेगी कैसे, पानी पे तो चलेगी नहीं, अब पानी पानी डाल लोगे, पानी से तो बस नॉर्मल आप वर्कआउट कर पाओगे नॉर्मल सा,
एक छोटा सा एग्जांपल ले लो ना, बिगर खाए तो नींद नहीं आती तो वर्कआउट कैसे होगा? वही तो, बिगर खाए नींद ना आए। कल मुझे जैसे मैं सो रही थी, मुझे बहुत गहरी नींद आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक थी, तो मुझे ना उनसे भूख लगी तो मैंने उठ के पहले बनाना खाए तब मुझे नींद आई दोबारा। अच्छा। अंदर से हो गया था पेट के, हाँ पेट में जलन हो रही थी, कुछ खा पहले। जब मैं कह रहा था मैंने कहा रोटी खा ले रात को, जब इसीलिए रात को नहीं मॉर्निंग में, अच्छा मॉर्निंग में बनाना खाए फिर मैं सोई, मैं दोबारा उठी तो मैंने पोहा खाया तब रिलैक्स हो, मतलब कुछ ना कुछ चाहिए बॉडी में तभी एक्टिव। तो भाई चाहिए रहता बॉडी को, और ये बात समझनी है तो समझ लो, अब समझ लो या 10 साल बाद समझ लो या अपने बुढ़ापे में समझ लो, करनी एक्सरसाइज पड़ेगी और करनी डाइट ही पड़ेगी। डाइट तो आपके बुढ़ापे तक चलनी है भाई, जब तक आप मरोगे। तो ये रही भाई हमारी फोर्थ मील, राइस फिश। फिश भाई मेरे पास कल की रखी हुई थी इसलिए खानी पड़ रही है, नहीं तो इसको छोड़ भी देता, स्किप भी कर देता, क्योंकि चिकन खाना है इसकी जगह। तो मैंने इसकी जगह 200 ग्राम फिश ले लिए, पर कल से 180 ग्राम आपको चिकन ही मिलेगा। और ये अपना 300 ग्राम पपीता एंड थोड़ा सा कुकुम्बर, और ये मैडम की डाइट देख लो। तो भाई ये देखने के बाद तुम्हारा भी बहुत मन करता होगा साथ में कोई खाता होगा, पर ऐसे खाना नहीं है मेरे भाई। मैं भी अपने मन को कंट्रोल करके रखता हूँ, जरूरी है आप अपना उतना फ्रूट्स खाओ, उतना हेल्दी वो चीज़ें खाओ तो सही रहेगा। तो भाई मैडम की थोड़ी डाइट अलग है, कभी उनकी डाइट देख के मत खाने लग जाना। पर हाँ, तो दाल और दही और रोटी बेस्ट है, पर ये मीठा इसलिए रख रखा है इसने कि बाद के लिए, कि भाई थोड़ी देर बाद इसको भूख लग जाती है तो उस चीज़ के लिए रख रखा है, ना तो ये पपीता और सैलेड मेरे साथ ही खाएगी। तो आप भी भाई अपनी वाइफ को हेल्दी बनाइए, थोड़ा सा उनको बोलिए टोकिए, जैसे कि मेरे को अभी तक मिल रहा है रेस्पॉन्स तो अच्छा मिल रहा है कि भाई वो अपनी वाइफ को भी सपोर्ट करने लगे कि भाई खाना मेरे तरीके खाओ, ये खाओ वो खाओ, क्योंकि भाई मैदा सूजी आटा ये खा के कुछ नहीं बनना मेरे भाई। जितना हो हेल्दी खाना खाओगे उतना बढ़िया रहेगा। हेल्दी ऐसा नहीं है कि भाई चिकन अंडे ही खाने, उसकी जगह आप राजमा छोले पनीर और टोफू सोया पनीर ये खा सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं है जो नॉन वेज वाले हैं वही डाइट कर सकते हैं, वेज वाले भी कर सकते हैं भाई, ठीक है ऐसी बात नहीं है। सैंडविच खाओ अच्छा हेल्दी सैंडविच, ये नहीं है वाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड, ब्राउन ब्रेड और वाइट ब्रेड कुछ नहीं होता, इससे अच्छा आप मल्टीग्रेन ब्रेड लो सबसे बेस्ट रहेगा। और मल्टीग्रेन ब्रेड भी ना आए तो रोटी खा लेना भाई उसी जगह, मल्टीग्रेन ब्रेड से अच्छी रोटी है, रोटी खा लेना ठीक है। चलो आप डाइट लेते हैं और फिर सोते हैं थोड़ी देर, फिर शाम को जिम भी जाना है यार। चलो तो भाई जिम आ गए हैं, अपना वर्कआउट करेंगे अब स्टार्ट। आज करेंगे हम चेस्ट और शोल्डर, ठीक है चाचा ले ले। जिम आ गए हैं, करेंगे वर्कआउट। हाँ मतलब मैं करवाऊंगी आपको वर्कआउट, आपने मुझे कराया था वैसे मैं कराऊंगी। हां चलो कराते हैं अच्छे से, जैसे आप मेरे को करते वैसे करूंगी। चलो तो भाई सपोर्ट हर किसी का रहता है, किसी ना किसी का, किसी ट्रेनर का, किसी वाइफ का, किसी ट्रेनर का या किसी दोस्त का, तो जरूरी है भाई। तो साथ में वर्कआउट करते हैं हेमंत से, और अब करेंगे आज हम चेस्ट और शोल्डर। मुझे कराया था आपने, आपको कराया था मैंने बैक, बैक तो मुझे कराना है चेस्ट और शोल्डर। ओके तो भाई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी क्रॉस ओवर। केवल क्रॉस ओवर में पहला राउंड सेट है 35 के से, इसमें सारे सेट 15 रैप्स लगाने हैं, ठीक है भाई। फर्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट सेट क्रॉस ओवर। दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। तो चलो दूसरे सेट के लिए, सेट हो गया अपना, दूसरे सेट रेडी। यस करें, करेंगे अब टाइट रहना हमेशा। अब मैं आजकल क्या खाने लगी शाम को, अमरूद अमरूद और केला, ये कैसा कॉम्बिनेशन? सही है फ्रूट्स ही तो है, सही खा सकता। वो एक दिन बाद पहले ग्रीन रहता है फिर एक दिन बाद येलो हो जाता है खाने लायक, तो सही है ना, ऐसे पहले तोड़ के रख ले।
हाँ, आ जाके सारा तोड़ूंगी। सारा तोड़ लिए ठीक है, तो आप हेल्प कर देना। मीठे भी लगते थोड़े थोड़े, ज्यादा मीठे भी नहीं है खट्टे भी नहीं है। ऐसे ही बोलते हो ना? एक्सरसाइज हमारी रही थी डिक्लाइन रोड, जैसे कि आपको पता ही है प्रीवियस वीडियोस में दिखाया है, जो नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं वो यही करना ठीक है। जैसे कि ये वार्म अप है अभी, सेकंड एक्सरसाइज का वार्म अप। इस बार ढाई ढाई बढ़ाई ही है, ट्राई करते हैं। हर बार पिछले पिछले दो 110 ही मारा ना, इस बार ट्राई करते 115। सेकंड एक्सरसाइज फर्स्ट सेट वेट 115 कर स्टार्ट। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, वेरी गुड। तो भैया एक बात जरूर कहूँगा, अगर आपकी डाइट कंसिस्टेंसी में चल रही है तो आप हर वीक चाहे जैसे ढाई या पाँच अपने आप इंक्रीज कर लेने, आपको स्ट्रेंथ वेट देखने में फर्क मिलेगा। जैसे कि आज सुबह मैंने दिखाया आकाश का एग्जाम्पल ले गए, वो ना डाइट कर रहा था तो उसकी स्ट्रेंथ डाउन हो गई, आज उससे 5-5 किलो तक भी नहीं लग रही थी। Right. तो ये आप जरूर ध्यान रख। चल भाई मैं काउंट कर दिया, तो सेकेंड सेट आई हमारा 100 किलो का, जिसमें वेट डिक्रीज ही करना है हमें, जैसे 15 लगाया था इस बार मैंने कर दिया है 100 किलो। अगला तीन सेट ही करना है, अगले में और कम करूँगा, बहुत जल्दी हम आपको। मेरी स्टार्ट करें तो
भाई अपनी थर्ड एक्सरसाइज रहेगी केबल लेटरल रेज, ठीक है, इससे 15-15 रैप मारने, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह तो हुए नहीं हुए, कोई बात नहीं, कभी कैसे रिलैक्स, एक हाथ बच रहा है अभी, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह नहीं हो पाया, पर सोचा था 15 का फेल हो गए, 14 सारे नहीं हो पाएंगे, हाँ सारे नहीं, सेम सारे लगे। हेलो, तो भाई अपनी लास्ट फोर्थ एक्सरसाइज रहेगी फेस पुल, जो इससे करने हैं हमें 4 सेट और 15-15 रहे। क्यों? ठीक है ये भाई मैडम ने देख लो अपने अमरूद तोड़े जा रहे हैं, अमरूद खाते हैं यहाँ से भाई, हम अपने घर के अमरूद होना सबसे बेस्ट है। ये रे मैडम एक ये रहा ले बेस्ट, अरे ना ये अभी थोड़ी देर में पीले हो जाएंगे ना, तोड़, हाँ हाँ कूद, आइए आइए, वेरी गुड। तो ये तो है ही है, और अंदर भी रख रखे ना लगते जोड़ जाड़ के ने। हाँ ये देख लो भाई कहाँ रख के जा रही है और क्या ढूंढने लग रही है, अब और ना है, आ जा बाद में देख लियो, थोड़े पीले उनने उसमें भी होने दे, आ जा पकड़ लेना, पकड़ वो बहुत बड़ी है ले, और भी है चलो उत्ते भी, इतने तो पहला दर रखे मैडम ने, खाली है खाली है, गुड। तो भाई ये रही अपनी पोस्ट वर्कआउट मील, ये अभी आलू खा रहा हूँ, बाद में आलू कल से बंद रहेंगे, कल की डाइट जरूर देखना, कल से जो रहेगी वो मेरी मेन डाइट रहेगी, ये रही मैडम की डाइट। आलू के परांठे और दही, तो भाई चलो फिनिश करते हैं इसको जल्दी से और चलते हैं फिर जिम पे। तो भाई सबसे छोटी ट्रेडमिल पे चल रही है, कैसी है जैसी ही ही। वो हंस रही है, हंस रही है, आए चल चला दे ट्रेडमिल, चला दे ट्रेडमिल, चलाओ है, हाथ पकड़े रहे मैं गिर जाऊंगी, हाथ छोड़ मैं यहाँ से निकलूंगी, यहाँ से निकले, हेलो हाउ डू यू डू, तुमने यशी कैसे हो, ये नू दे कौन है यार, ये ताई तो ना लग रही, क्या हो गया, कुदा दे उस बॉल पे, कुदा दे ना बॉल, बॉल के गेल खेलती रहोगी, अरे बॉल के साथ खेलेगी ये, चलिए ऐसी कूद जा, बहुत
नहीं आना। अब तो राजी है। एक बंदा नाट गया। कौन? अरे खाका चप्पल दी कोई? अरे ये वाले सर ने चप्पल चलेगा तो मालूम। भाई ये लाइट चली गई है शाम के टाइम में। अब मैडम देखो कैसे बैठे बैठे क्या चलाती रहती है सारे दिन। क्या करते रहते हो मैडम? फोन काली कर रही है। ये रे भाई अपने सिल्वर बटन्स। नींद में हो रही है। खाना खाए? आलू का परांठा ठीक है। तो चलो भाई इसके बाद घर ही चलना पड़ेगा। अब क्या कर, लाइट तो आई नहीं रही। देखते हैं घर जाकर चिकन भी कैसे बनाएगा। लाइट चली गई है। ये डेडिकेशन बंदे चाहिए थे मुझे। बच गया भाई, बच गया। पूरी ना एक्सरसाइज कोई ना, इसी लेंस से हम अंधेरे में करवाएंगे। फिर आऊ की आवाज आई तगड़ी। अभी पहले सेट भी कर लिया। तू भी कर ले। मारे भाई पूरे। मैं तो मार रहा हूं पूरी। अब जाएगी लाइट। कर देना वहां से। दो मिनट छुट्टी। बस 2 मिनट में कॉल उठा भी ले मकनी। मैं तो मिलने ना है भाई, अंधेरे में कराना पड़ रहा है आज वर्कआउट। ये बिजली बोर्ड ना ऐसा ही है यहाँ गुड़गांव। अरे गई तो ही नहीं। अच्छा ये लाइट कितने वोट की बेटा? तो भाई ये जिम पे तो लाइट जा रही थी। अब फाइनली घर आए हैं, खाना वाना खाया है, तब जाके लाइट आई है चिकन बनने के बाद। और भाई अब चलो सोने का टाइम है, अब सोते हैं। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम दोस्तों। और भाई ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखना प्लीज़, क्योंकि आगे तक चलना है हमें, ठीक है? तो करते रहेंगे मेहनत और आपकी भी मेहनत करवाते रहेंगे, ज़रूरी है, क्योंकि साथ में कोई ना कोई होना चाहिए। या तो किसी वीडियो देख के आप थोड़े से इंस्पायर हो जाओ, या आप मेरी ट्रेनिंग देख के हो जाओ, या कुछ भी चीज़ देख के भाई आप इंस्पायर हो रहे हो तो मेरे लिए अच्छा है। और बहुत सारे लोग बोलते भी हैं भाई, उनको दिल से धन्यवाद है भाई, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।